अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आपके पास वक्त कम है तो ये मज़ेदार नाश्ता ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही शान तरीके के साथ बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तीन मैंने अंडे लिए थे। अंडों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा मिक्स किया अंडों को। दो चुटकी नमक डालेंगे, आधी चमची पिसा हुआ जीरा डाल लेंगे, ये गरम मसाला है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखें फिर आपको पता चलेगा आज आपकी बाजी ने बहुत ही मजे का नाश्ता बनाया है कम वक्त में। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया अंडों को। तीन चम्मच ऑयल डाल लेंगे, आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। ऑयल को ना थोड़ा सा फैला लेंगे पैन में। मिक्स किए हुए अंडे डाल लेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है, तेज आंच बिल्कुल भी नहीं रखी। ये वाली लेस डाल लेंगे ऊपर, ऐसे ही तोड़कर थोड़ी थोड़ी डाल लेंगे। आप दे सकते हैं, लेस को मैंने डाल ली है। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल लेंगे। ये नाश्ता इतना मजे का है ना, बच्चों को, बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपके पास बिल्कुल वक्त कम है तो ये लाजमी ट्राई करें। मैंने शिमला मिर्च को डाल लिया है, एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल लेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। एक बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी बन रही है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, नमक जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको जरूरत है उतना डाल सकते हैं। इसके ऊपर भी गरम मसाला डाल लेंगे। अब 3 मिनट के लिए इसे हल्की सी आंच पर ढक्कन लगा देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उतार लेंगे। माशाल्लाह, अब चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी साथ में चिपका नहीं। माशाल्लाह, इतना ही अच्छा बना है ना, मजे की चीज, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा।
माशाल्लाह देखें, ये बहुत गर्म है ना, हाथ नहीं लगा जा रहा, पीछे से भी बिल्कुल भी जला नहीं। आप देखें कितना ही अच्छा बना है। आप इसे काट लेंगे इसी तरह पिज्जा कटर के साथ काट लेंगे, इसे ना लंबे पीसों में काट लेना। आप देख सकते हैं इसे मैंने लंबे पीसों में काट लिया है। आप देख सकते हैं आमलेट हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मजे का बना है। आप जरूर मेरे तरीके से बनाएं, इसका टेस्ट ले हमने कैसे बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसे केचप के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ये बहुत ही मजे का है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।